क्या निष्कर्ष इस फ्रेम से आप तक पहुंचा? माइक बीच में है, माइक, हाँ जी माइक आपकी तरफ आ रहे हैं। तो जितनी चर्चा हमने अभी ब्रेक में की उससे किन बिंदुओं की तरफ आपका ध्यान गया या आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं, एक शेयरिंग ले लें उसके बाद चलते हैं। हाँ जी आगे दीजिए, इधर दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन है उस पर चर्चा कर सकते हैं, कोई आपका विचार किसी और डायमेंशन में फैल रहा होगा उसकी बात कर सकते हैं। थोड़ा परिचय के साथ। प्रणाम, रवि टांक, वीरानी साइंस कॉलेज जी। सर आपने जो ये बताया कि मानव सुख के लिए मानता है और मानने के लिए दो तरह की कैटेगरीज हम बना सकते हैं, एक जो है जानने के बाद और दूसरा है बिना जाने। और हमने यहाँ पे पूरा क्लासिफिकेशन रखा और उसमें बिना जाने में पूरा मानव, परिवार, समाज, धर्म, शासन सभी को कैटेगराइज किया और उसमें नियंत्रण कैसे होता है, जैसे भय, प्रलोभन, आस्था। अगर हम एक तरीके से देखने के लिए जाए तो उसमें ये जो भय जो है वो भी कुछ जानने के बाद ही हमने रखा हुआ है कि अगर आप ये करोगे तो ये आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सिमिलरली प्रलोभन जो देते हैं शिक्षा में तो वो भी किसी अच्छे के लिए, जान अगर हम जानकर देखें तो वो किसी अच्छे के लिए हम दे रहे हैं प्रलोभन भी। और आस्था जो है, आस्था में जो भी कुछ रखा हुआ है वो भी कुछ अच्छे के लिए है अगर हम जानने के लिए जाए तो, ठीक है ना। हाँ तो इस पूरे ब्लॉक को हम इस तरफ भी रख सकते हैं, जानकर मानने में भी रख सकते हैं? नहीं, जब आप कह रहे हैं कि कुछ जानकर की भाषा प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें आगे धीरे से देखेंगे कि जानना, बिना जाने मानना एक बिल्कुल डिफरेंट कैनवस है, जानकर मानना एक बिल्कुल दूसरी दुनिया है। क्योंकि अभी हमारे बीच में जानना और मानना को लेके कोई बहुत डिफरेंशिएट हम नहीं करते, और जानना जिसको हम कह रहे हैं वो फिजिकल लेवल पे ही चीजों को जानने की बात कर रहे हैं। जब यहाँ जानना कह रहे हैं तो बिल्कुल दूसरी दुनिया है, दूसरा पैराडाइम है। तो एक तो जानना मानना शब्द हमारा बहुत क्लियर नहीं है, उस वजह से भी आपकी ये भाषा बन रही है। दूसरा, जब आप कह रहे हैं कि हम कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं तो अच्छे के लिए तो इतना है कि शरीर का जिंदा रहना एक अच्छी घटना है, भाई हमारा शरीर बना रहे, हमारे बच्चों का शरीर बना रहे और हमारे पड़ोसियों का शरीर भी बना रहे, ये अच्छी घटना है। तो उसके लिए कहा कि पशु का जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है, लेकिन मानव का जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। वो जो पर्याप्त नहीं है वो शेष है अभी। तो आपका जो कुछ जानकर कह रहे या कुछ अच्छे के लिए कह रहे वो शरीर के जिंदा रहने के अर्थ में कह रहे, यहां तक उसकी सीमा है, जो कि आवश्यक है, पर्याप्त नहीं, इतनी उसकी समीक्षा कर सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत क्रिटिकली देखिए, जितना हम ज्यादा क्रिटिकली चल पाएंगे, जितना हम बहुत अच्छे से चीजों को देख के एक बार ये माइंडसेट यहाँ पे हम ठीक से सेट कर लें तो हमारी आगे की जर्नी बहुत फाइन हो सकती है। क्यों हम ये 8 दिन लगाने वाले हैं उसकी क्लैरिटी मेरे लिए, अपने लिए मुझको चाहिए कि मैं आखिर इसमें क्या पाने जा रहा हूं या क्या इसमें संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वो मेरी कितनी जरूरत है। वो आपकी जरूरत नहीं लगती है तो डिस्कशन आपके लिए नहीं है, अच्छा हो सकता है पर आपके लिए है कि नहीं है ये बाद की बात। और बोलिए, फर्स्ट हाफ में हमने जितना चर्चा किया उसमें से किन बिंदुओं पे आपका ध्यान गया और किन चीजों को आप एप्रिशिएट कर पा रहे हैं, या कोई शंका आपके मन में हो, आप कुछ जोड़ना चाहते हो तो यहां से हम शुरू करें। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी माइक ले लीजिए, माइक आगे। मैंने आपसे ब्रेक के पहले ये पूछ लिया था कि जितनी चर्चा मैंने की है वो आप तक पहुंची है और आपने हाथ ऊपर उठाया है, तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि बात आप तक पहुंची है। जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा में वैल्यू की कमी हुई है, इसलिए शिक्षा को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, शिक्षक को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये काफी कुछ हमें अच्छा लगा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम समाज को चेंज कर सकते हैं। हाँ। और शिक्षा ही हमारा मेन वेपन हो सकता है, जो मेन हथियार रहेगा हमारा
कि अगर हमें समाज को वापस स्थापित करना है तो शिक्षा ही इम्पोर्टेंट रहेगी उसमें, और उसमें कैसे हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे शिक्षा में वो आने वाला समय बताएगा कि कितना हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे। देखिए शिक्षा का काम नहीं हुआ तो सभी असफल हो गए। अभी नो डिटेंशन पॉलिसी तक क्या स्थिति बनी हुई थी, सिक्स्थ वाला कहता है कि फिफ्थ वाले ने नहीं पढ़ाया मैं क्या करूं, नाइन्थ वाला कहता है कि एट्थ वाले ने कुछ नहीं पढ़ाया अब मैं क्या पढ़ा दूं, क्या पढ़ाऊं, इंजीनियरिंग वाला कहता है कि ट्वेल्थ से पढ़ के ही नहीं आया तो अब मैं इसको क्या करा दूं, बेसिक्स क्लियर नहीं था आपका। अब नेता कहता है कि मेरे को इससे वोट लेना है तो अब मैं क्या करूं, तो 1000 रुपए दे के सबसे नोट ले लेता है, वोट ले लेता है। तो ये सब हमारे बोए हुए वो बीज थे, यदि शिक्षा सही होगी तो आगे वाली सब दुकानें ठीक चलेंगी चलेंगी। एक दिन में किसी की मानसिकता नहीं बनती, रातों रात किसी की मानसिकता नहीं बनती। जिस तरह का मास हमको उपलब्ध हुआ है उसी मास के साथ हमको कंपनी चलानी है, उसी मास के साथ परिवार चलाना है, उसी मास के साथ क्लासरूम चलाना है, उसी मास के साथ हमको बाकी तमाम घटनाएं करनी है ना, राजनीति से लेकर पूरा देश उसी मास के साथ चलाना है। अल्टीमेटली किस तरह की मानसिकता कॉलेज से निकल रही है वो अल्टीमेट क्वालिटी को डिसाइड करेगी कि हमारी फैक्ट्री की क्वालिटी क्या होगी, हमारे परिवार, क्योंकि आपका वो कॉलेज से निकला हुआ लड़का किसी का पति है, किसी का बेटा है, किसी का किसी की पत्नी है, वही कहीं आगे किसी बड़े पद पे जाएगा, अल्टीमेटली तो वही जगह जगह बैठेगा, उस मानसिकता के साथ बैठेगा। तो जो मानसिकता हमने 20 साल में दी है, 20 साल 20 लाख आजकल लगभग लगभग प्राइमरी स्कूल की फीस और इंजीनियरिंग की फीस एक जैसी है, एक लाख रुपए महीना हम साल का खर्च कर ही रहे हैं, साल का 1 लाख रुपया बच्चे की पढ़ाई में प्राइमरी क्लास से खर्च होना शुरू हो गया है। 20 साल 20 लाख लगा के क्या हम एक युवा को दे पाए, सही, इसके आकलन करने की जरूरत है। और यदि उसमें कोई कमी है, और एज ए पेरेंट मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां हम एज ए पेरेंट बैठे, एज ए टीचर ना बैठे, ये रिक्वेस्ट स्वीकार्य है, तो आपके तमाम पदों से रिजाइन कर दें 8 दिन के लिए। 8 दिन के लिए हम एक माता पिता के रूप में बैठें, क्योंकि जब हम एक माता पिता के रूप में बैठते हैं तो अपने बच्चों को, मेरे आपका बच्चा भी किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, और जब वो 20 साल का होता है तो उसकी जिंदगी में क्या आया उसको आप फील करते हैं। सही कहा आपने। और हमारा दूसरा जो शिक्षा का है कि वो आउटपुट बेस्ड होनी चाहिए, आउटपुट और डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। 1 घंटा मैंने क्लास में क्या लिया मुझे ही नहीं पता मैंने क्या लिया, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि क्या लिया। तो अगर डिलीवरी कहते हैं कि मैंने बहुत अच्छा भी लिया, तो आपने बहुत अच्छा भी लिया तो अल्टीमेटली वो 20 साल का युवा जब कॉलेज से निकल रहा है तो उसके पास क्या क्या वो डिलीवर कर पाने की स्थिति में है, उसमें मेरा लेक्चर एड है। बिल्कुल सही, वो स्टेक होल्डर हमारा है, वो स्टेक होल्डर। तो अगर स्टेक होल्डर अगर कहता है कि हमने आउटपुट दिया, हमारी डिलीवरी बराबर थी, तो उसकी कोई वैल्यू है। अदरवाइज 1 घंटा क्लास लेने के बाद मैं बाहर निकलता हूँ, बिल्कुल, और उसकी डिलीवरी और आउटपुट अगर नहीं है जी, तो हाँ जी, और समस्या बनती है। हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। परिचय सहित एकता मेहरोत्रा जी, आज जो आपने इस सेशन में हमको बताया है, इसमें मैं जानकर मानना इसके विषय में बोलना चाहूंगी कि जब हम कुछ जानकर उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हम ये चीज जान गए हैं और फिर उस पे काम करते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग होता है, और हम अपने रूल्स खुद बनाते हैं। जहाँ पे नेक्स्ट लिखा है स्वयं शासित, मतलब हम उसको चाहते हैं कि ये चीज मैंने समझी है तो इस पे हमारा कंट्रोल कैसा होगा, अपने ऊपर उसका कंट्रोल कैसा होगा। तो जब हम स्वयं उस पे कंट्रोल करेंगे तो उसके अनुसार हम करेंगे। जैसे कि पहले के जमाने में जब वशिष्ठ जी थे तो उन्होंने स्वयं शासित समाज बनाया था, मतलब उसमें 60,000 विद्यार्थी भी उसमें पढ़ते थे, लेकिन वो सारा काम अपना खुद करते थे। वो वहाँ के कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं होते थे, मॉर्निंग आवर से लेकर रात तक सब कुछ शिक्षा स्वयं शासित रहती थी, कि उनको सब कुछ अपना खाना भी बनाना है, सब कुछ करना है। तो जब हम उसको जानकर करेंगे तब उसमें विश्वास आएगा, सब तब उसमें कंट्रोल होगा, और कंट्रोल होगा तो हम डिसिप्लिन में
रह सकते हैं और तभी वह स्वराज्य या राम राज्य की कल्पना हम कर सकते हैं। यहाँ पे ये पॉइंट्स के बारे में ये बोलूंगी। और दूसरा जो आपने बोला था तर्क की बात, कि आजकल के बच्चे सिर्फ तर्क पर ही विश्वास करते हैं, या कहा जाए कि साइंस, आजकल सब लोग साइंस या प्रैक्टिकल की ही बात करते हैं। तो हर चीज में, मेरा बेटा भी है वो 8th स्टैंडर्ड में है, वो भी हर चीज में, मम्मी इसका लॉजिक बताओ, अच्छा हम आरती क्यों करते हैं इसका लॉजिक बताओ, तो हर चीज में उसको तर्क चाहिए होता है। तो इसमें ये बोलना चाहूंगी, जो आपने बोला चैतन्य, हमने जड़ चीजों को तो जानने की बहुत कोशिश की है कि ये कुर्सी है या ये मेटल है या गोल्ड है, ये किस क्वालिटी है, इसमें सब कुछ वो हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने अंदर जो चैतन्य है उसको जानने की कोशिश नहीं करती है। इस वजह से हम कहीं ऐसा भटक रहे हैं या कहीं पे हमें एक कमी दिख रही है, चैतन्य को जानने की कोशिश नहीं करते इसलिए। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और माइक दीजिए। भौमिक भट्ट सर, सबसे पहले हमने जब शुरुआत की जानना, भौमिक भट्ट जी AGI से? नहीं AGI नहीं, आई एम अ स्टूडेंट, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन। राजकोट से? हाँ जी राजकोट से, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले शुरुआत में हमने बात की कि जानना, मानना और पहचानना, यानी कि तर्कशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि अनुमितिकरणम अनुमानम, यत्र यत्र धुम्मसः तत्र तत्र अग्नि ही, यानी कि ये जहां जहां हम धुम्मस देखते हैं, दूर से मान लेते हैं कि यार धुम्मस है तो वहां पे अग्नि भी होना चाहिए, पर अगर धुम्मस है तो अग्नि हो ऐसा जरूरी नहीं भी है। जैसे कि आज मैं अगर कोई क्लास को लीड कर रहा हूं और सभी लोग मुझे एज ए आइडल देख रहे हैं, तो उसी क्लास में मुझे अगर बाहर से आवाज आ रही है कि बाहर बारिश जैसी कोई आवाज आ रही है और सीजन भी चौमासू छे, चौमासा नु सीजन छे, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बारिश आ रही है, तो अगर मैंने बोला किसी को कि बारिश आ रही है तो सब लोगों ने मान लिया। पर ऐसे कहीं भी अगर हमें फ्यूचर में कोई बोले तो हमें मानना नहीं है, उसे पहले वेरीफाई करना है, देखना है, क्योंकि आज अगर हम कुछ चीज बोलते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो लीड या मिसलीड होते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया, बहुत ही ब्यूटीफुली तर्कशास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे ईजी लैंग्वेज में समझाया हमें। उसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट पर, जैसे कि ये सारे तीनों पिलर है अलग अलग, जैसे भय है, प्रलोभन है, आस्था है, उसका बेस पिलर जो है विश्वास। अगर कोई भी कितना भी बड़ा एम्पायर क्यों ना बनाना हो, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बनानी हो, पर उसका जो बेस होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुली आप स्ट्रांग बेस बना रहे हैं कि कैसे चेतना जो है, चेतना और चैतन्य, उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली आपने कनेक्ट किया है। जैसे चेतना के बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, ये सब उच्च प्रकार है, और चैतन्य, ये दोनों कैसे आपस में काम करते हैं, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन जो आपने किया उसका हमें लाभ मिला है, एंड आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच। क्या ग्रेजुएशन आपने किया? लिटरेचर आर्ट्स। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी आगे माइक दे। नमस्ते सोम भैया जी, मैं डिप्लोमा से। सर मेरा एक थोड़ा क्वेश्चन ऐसा हो रहा है कि हम जो कह रहे हैं कि जो हम तर्क के साथ जड़ जुड़ते हैं तो हम सभी सुख सुविधा पा सकते हैं, वो रिसेंटली लास्ट 50 वर्ष में ऐसा हुआ है। तो मेरा थोड़ा मुझको ये जानना है सर कि हम पहले के, मेरा खुद का सर्वेक्षण में करके मैं ऐसा आपको कहता हूँ कि हम कई वर्षों पहले या 5-60 हज़ार वर्ष पहले तो हमारे जो लोग तर्क और चैतन्य बेस पर चलते थे तो सुख संपद, सुखी और सुखी संपद पा सकते थे, ऐसा बोला जाता है। ग्राम राज्य में ऐसा होता था कि तर्क और चैतन्य जोड़ते थे तो सुख समृद्धि पा सकते थे। तो सर वो तो एप्लीकेबल था सभी के लिए, था जीने के लिए भी इस पर था, प्रैक्टिकेबल था, तो उसका धीरे धीरे इफेक्ट क्यों डाउन हो गया, क्योंकि वो तो वर्षों से चल रहा था, सही भी था। तो आप बोल रहे थे कि जो सही होता है वो बोलते ना जीने के लिए और सही होता है, एप्लीकेबल होता है और एक्सेप्टेबल होता है, तो वो तो एकदम रॉन्ग साइड ही था। तो फिर आज उनकी जो लेक ऑफ क्यों आ रहा है उसमें, सर ये जानना है मेरा। इनका क्वेश्चन कितने लोगों ने सुना? सभी ने सुना? एक मिनट। ये 8 दिन में हम एक मर्यादा को फॉलो करेंगे, है ना, ये 8 दिन में हम एक मर्यादा को फॉलो करेंगे। उस समय क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, ना तो मैं वहां था ना आप लोग थे, ठीक हो गया। हमारे पास सुनी सुनाई बातें हैं कहीं कहीं से,
तो कभी हम उन संदर्भों के साथ में न्याय कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, इसका कोई आधार हमारे पास ठोस है नहीं। हाँ, ये एक पक्की बात है कि आज हम मानव हैं, आज हम मानव हैं, एक परिवार का हिस्सा हैं, एक व्यवस्था का हिस्सा है। तो आज हम इस परिवार में कैसे जिए, कैसे हम जी के सफल हो जाए, उसको देख लेते हैं। तो ना मैं कोई पूर्व रेफरेंस की चर्चा करूंगा, जो यहां मौजूद नहीं है इस हॉल में उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। हम परंपरा से कोई निष्कर्ष ले सकते हैं, जैसे आस्था एक परंपरा रही है, भौतिकवादी एक परंपरा रही है, उन परंपराओं की कोई समीक्षा का सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को हम बीच में नहीं लाएंगे, है ना, उतना मर्यादा हम बनाए रखें। चलिए और बोलिए। हाँ जी सर, मेरा नाम आनंद सोनी है, अहमदाबाद से। सर जो पहला सेशन हुआ उसमें मेरा जो जानना ये हुआ है कि हम हर बार हमारे अलावा किसी और के ऊपर हमारे परिस्थितियों को छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से हम खुद बीमार भी होते हैं और हमारा नुकसान भी काफी कुछ होता है। तो हमारे ये सब चीजों में हम पहले सुधरे या हमारे ऊपर काम करें तो हमारा नजरिया जानने की सोच, वो आसपास का वातावरण भी हमको अच्छा लगेगा और अच्छा होगा, हमसे जो जो जुड़ा होगा वो। दूसरा ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, वो लगा कि जो आपने प्रस्ताव मानना नहीं जानना और जांचने के बाद जो समझ के ऊपर कि कब समझ बनती है कि सार्वभौम हो, तर्कपूर्ण हो, जीने के लिए हो और सभी के लिए ये हो, तो ये जो बड़ी सोच है वो आधुनिक शिक्षा में अगर आ जाती है, क्योंकि आज मेरा बेटा अपनी बैग से, वाटर बैग से पानी भी किसी को नहीं दे सकता, ऐसी स्थिति है। और हम ऐसे थे कि पूरा बैग दे देते थे। तो ये जो फर्क आया है, तो ये सोच का जो नजरिया है या समझने का नजरिया वो छोटा हो गया, इसकी वजह हो सकती है सब जी। बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? उधर दीजिए, उधर दीजिए, पीछे एक बहन उनको दीजिए, एक माइक और पीछे दीजिए। हाँ जी। हेलो, मेरा नाम दर्शन है। आपने शुरुआत की थी मानव से और ये बताया था कि ये सब चीज जो हो रही है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करने के लिए हो रही है, उसमें सोसाइटी है, देन पॉलिटिक्स है, सब चीज सब मिला के देन वी केम टू द एंड दैट के ये सब चीज जड़ को हमने कंट्रोल कर लिया, हमने उससे काफी सुविधा भी पा ली। आज सिचुएशन ऐसे क्वेश्चनेबल है कि अभी क्या करें। फिलहाल रिलेशनशिप या सेंसिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़े पीछे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जड़ को हमने कंट्रोल कर दिया है समझ के, तर्क के थ्रू, अगर चैतन्य को भी तर्क के थ्रू समझाया जाए और यही पोटेंशियल ये जनरेशंस में है और वो अगर ये सीख ले तो आपको लाइफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बड़ी सुखद संभावना है जी। पीछे बहन कुछ कहना चाहती है। नमस्कार सोमदेव भाई, ये मेरा सेकंड शिविर है। आप दिवाली वाले में थे? हाँ जी। तो सर अभी तक जैसे हम जनरल सेंस में जानते थे, समझते थे कि एक ह्यूमन बीइंग को डिजीज जो लगती है वो अनहाइजेनिक फूड की वजह से लगती है, और उसका सॉल्यूशन अब हम सभी लोग थोड़ा हाइजेनिक फूड की तरफ, नेचुरल फूड और इन सब की तरफ सॉल्यूशन ढूंढ भी रहे हैं सभी लोग। We all are conscious now. लेकिन सर फर्स्ट शिविर जब मैंने अटेंड किया था उसके बाद मेरा ऐसा मानना है कि एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव को जो बीमारियां लगती हैं वो बेसिकली दो रीजन से लगती हैं। फर्स्ट अनहाइजेनिक फूड जो हम सब जानते थे, एंड सेकेंड इज अनहाइजेनिक थॉट्स। बहुत बढ़िया। तो सर अगर हम उस अनहाइजेनिक थॉट को समझ के थ्रू कम कर पाएंगे तो काफी बीमारियां, डिप्रेशन, स्ट्रेस, काफी ऐसी डिजीज हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारी अनहाइजेनिक थॉट की वजह से लग रही है, जो अभी तक शायद हम लोग ढूंढ नहीं पाए, समझ नहीं पाए थे।
तो यूनिवर्सल हाइजेनिक थॉट्स का स्वरूप क्या होगा? सवाल अब ये खड़ा होता है। यस सर। हर व्यक्ति को अपना थॉट ठीक ही लगता है, मैं ठीक ही कह रहा हूं, तो कोई यूनिवर्सल हाइजेनिक थॉट्स का कोई स्वरूप होगा, कोई उसका कोई आधार होगा। जब तक यूनिवर्सल हाइजेनिक थॉट्स का आधार हमको नहीं मिलेगा और थॉट्स के आधार पर ही हम पूरा एक्शन करते हैं, तो यदि ये पकड़ में आ जाए तो हमारे, और जो हम अनहाइजेनिक फूड की बात भी करते हैं वो भी अनहाइजेनिक थॉट्स की वजह से ही है। यस सर। तो प्रॉब्लम केवल एक ही है, दो नहीं है। प्रॉब्लम केवल हाइजेनिक थॉट्स की है। साफ सफाई नहीं करके रहना भी अनहाइजेनिक थॉट है। यस सर। और जो भी एडल्ट्रेशन है वो भी एक थॉट की वजह से एडल्ट्रेशन है। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। हाँ जी, और कुछ शेयरिंग? और कुछ शेयरिंग? पीछे वाले जो लोग पहली बार शिविर कर रहे हैं वो फ्रंट रोज में रहें, है ना? हाँ जी, और कोई शेयरिंग? और फिर तो ये दोबारा कहने की जरूरत नहीं है कि डिपार्टमेंट का कोई काम आपके हिस्से में नहीं है, इसको सुनिश्चित करें आप। मैं इसमें टाइट हूं एकदम, या तो करें या मत करें। अब ये नहीं हो सकता कि 8 दिन के लिए आपको बाहर लेके जाना था, उसमें आपकी स्थिति नहीं बनी, और यहां रहते हुए भी आपकी स्थिति नहीं बनी, तो फिर मत कीजिए सीधा सीधा। तो इसको आप बिल्कुल सुनिश्चित करें, आपके जो भी डिपार्टमेंट्स का जो भी स्वरूप होगा, ये 8 दिन आपकी कंप्लीट छुट्टी, कोई सुबह क्लास नहीं होगी, आप डिपार्टमेंट में जाएंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे, पूरी तरह से अपने साथ रहेंगे। तो कोई इतना आसान नहीं है, ऐसी तमाम बातें इस देश में हमेशा होती रही हैं। तो कैसे, यदि वाकई में कोई काम की बात है और मैं उसमें किसी उस जगह में आ जाऊं जहां मैं चीजों को सुन के एप्रिशिएट करना कोई खास बात नहीं है, अच्छी चीजों को एप्रिशिएट करना कोई खास बात नहीं है, अच्छी चीजें मेरे अधिकार क्षेत्र में आ जाएं, है ना, और मैं उसको डिलीवर कर सकूं, ये काम की बात है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि किस तरह से इस कैंपस में हम जरूर हैं, पर आपका कोई भी ध्यान इस कैंपस की किसी एक्टिविटी में अब जाने की जरूरत नहीं है। इन 8 दिन में हम साथ साथ चल सकें तो हम एक ठोस शुरुआत कर सकें, क्योंकि आपके भरोसे वो शुरुआत होने वाली है। यदि आप कम पड़ गए तो आगे वालों के लिए वो स्पेस नहीं है, ठीक है, ऐसा मैं मान लूं। हाँ जी, चलिए, और कुछ? और कोई काम की बात यहां से निकल रही हो? और कोई अच्छी बात? हाँ जी, एक्चुअली इतना तो समझ में आया कि शिक्षा से मानसिकता, हाँ, मतलब ये जानकर मानना, वहां तक हम ले जा सकते हैं। और क्योंकि अनुकूल है, क्योंकि अब का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी, हाँ, जो आज जनरेशन है वो तर्क पे चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज टोटली है। जब वो जड़ को समझ सकते हैं, हाँ, तो अगर इसका भी प्रस्ताव मिले तो ये भी समझ सकते हैं। और हर एक प्रस्ताव को जांचने का आपने पूरा विधि भी बता दिया इसमें। और मोटिवेशन इसलिए भी है कि वी वांट टू बी स्वाभिमान और सम्मानजनक लोग बनना चाहते हैं। बिल्कुल। और जिम्मेदार, मतलब एक बार समझ में आया तो जिम्मेदार व्यक्ति भी बन पाएंगे, और तन मन और धन पूरा इस समझ को स्प्रेड करने में लगा पाएंगे। अपने आप होता ही है, अभी भी हम जिस चीज को अच्छा मानते हैं उसको करते ही। यस, ना कोई खास बात जी। तो बस मतलब पहले हम अपने आप को नियंत्रित कर ले, फिर बाकी सब, मतलब सही नियंत्रित करने का सही बेस मिल जाए तो उसको फिर हम पूरे जोर से स्प्रेड भी कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, इस शिविर का रिजल्ट यदि आपकी जिंदगी और आपके फैमिली में मिलता है तो ही आप में वो ताकत आती है। तो अब मामला आत्मीय संस्थान का नहीं है, पहले शुरुआत आपकी जिंदगी और आपकी फैमिली से होती है। क्योंकि जिन लोगों के साथ हमारा जीने की प्रयोगशाला, तो मेरा अपना परिवार है। मेरे अपने परिवार में यदि मुझको रिजल्ट मिलते हैं तो मैं एम्पावर्ड फील करता हूं, तो मेरे को लगता है कि हाँ, चीजें मूव हो सकती हैं। तो ये हमको ऐसे देखना है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इधर माइक दीजिए। सर, ये जो पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है हमारे सामने, इसमें आई थिंक एक और चीज भी जोड़नी चाहिए। गुड। वो है संघ। संघ? संघ, वो क्या? क्योंकि सर, हम देखने जाए तो ये पूरी भाव और विचार की पूरा डायलॉग है, और
इसमें हम देखने जाए तो बाहर की दुनिया में दो तरह की चीजें रहती हैं, एक तो है कुसंग और दूसरा है संत। वैसे ही हमारे अंदर की भीतर की दुनिया में भी दो तरह की चीजें रहती है, कुसंग और संत। नव हम जिसके साथ रहेंगे उसकी उसमें वृद्धि होगी। तो ये जो आयाम पूरा है तो उसमें कहीं पे संग भी आए तो उसके अंदर हम संग उस रूप में रखा ही है ना, कहा कि जिस तरह से हमने तर्क को जड़ संसार को समझने के लिए इन्वेस्ट किया वैसे ही हम तर्क को चेतना और चैतन्य संसार को समझने के लिए इन्वेस्ट करें, यही संग है, शिक्षा ही संग है। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया। और हो गया, बोलो लाडवा सर, आपकी परमिशन से आगे बढ़ेंगे।